नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब जब कोई एक दल भारत की राजनीति पर हावी होता है, बाकी दल इसी सूत्र में समाधान तलाशने लगते हैं। बड़ी पार्टी से मुकाबला के लिए विपक्ष की एकता का नारा दिया जाने लगता है। इधर कुछ दिनों से ऐसे प्रयास फिर से जोर पकड़ रहे हैं और इन प्रयासों के पीछे दो नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, शरद पवार और प्रशांत किशोर। शायद ही कोई विपक्षी पार्टी होगी जिसके प्रशांत किशोर से अच्छे ताल्लुकात न हों। शरद पवार के पास दशकों तक राज्य और केंद्र की राजनीति का बहुमूल्य अनुभव है। तो आज दिन की बड़ी खबर में हम इस सवाल को टटोलेंगे कि क्या ये दो शख्स वाकई विपक्षी पार्टियों के बीच उस पुल का काम कर पाएंगे जो पिछले 7 सालों से बन नहीं पा रहा है, और क्या भाजपा को पहली चुनौती राष्ट्रपति भवन के रास्ते दी जाएगी। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। ये वीडियो पंजाब के फरीदकोट का है। राज्य के तीसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में जाने जाने वाले गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर करीब 20 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो काम बंद करके धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से अस्पताल में OPD पूरी तरह से बंद रही और मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। डॉक्टर्स का आरोप है कि पंजाब सरकार ने 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को तहस नहस कर दिया है। इसी के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। पिछले हफ्ते से हम धरने पे लगातार बैठे हुए हैं और हमारी मांगे क्या है, हमारी मांगे वही हैं। बहुत देर से हम 6 पे कमीशन की देखो वेट कर रहे थे, जो कि 10 साल बाद लगता है, और हमें इस पर था कि शायद हमें कोरोना इंक्रीमेंट गवर्नमेंट देगी, पंजाब गवर्नमेंट देगी। कोरोना इंक्रीमेंट तो इन्होंने क्या देना था, इन्होंने हमारा जो NPA है उसको 25% से 20% करके डीलिंक कर दिया इन्होंने, जिससे कि हमारी जो सैलरीज हैं वो कम हो जाएंगी। ये पंजाब सरकार ने हमें तोहफा दिया है कोरोना वार लड़ने का। जब हमने पिछले साल कोरोना जब से आया है, हमें ना कोई गर्मी की छुट्टियां, ना सर्दी की छुट्टियां, कोई छुट्टियां हमने नहीं, लगातार हमारे डॉक्टर्स ने काम करा है, हमारे रेजिडेंट्स ने काम करा है, हमारे यहाँ पे जूनियर रेजिडेंट की डेथ भी हुई है, उसका मुआवजा भी हमें बहुत देर बाद स्ट्रगल करने के बाद मिला। और गवर्नमेंट जो है, हमें बहुत नाराज़गी है कि हमारी मांगों के प्रति सेंसिटिव नहीं है गवर्नमेंट। देखो, हम Class 1 officer हैं, हम नहीं चाहते कि ये काम करें, ये हमें नहीं शोभा देता, पर हमें मजबूर किया जा रहा है अपनी मांगों को, जो अपने हमारे हक हैं उनको लेने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। आज भी आप ये वही डॉक्टर्स हैं जिनकी कुछ समय पहले तक खूब तारीफ की गई और उन्हें भगवान का दूसरा अवतार बताया गया, उनके लिए थाली और ताली बजाई गई। ये वही डॉक्टर हैं जो दिन रात लगातार लोगों की जान बचाने में लगे रहे, लेकिन आज जब ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सुर्खियों में सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मरीज आए 38,792, ठीक हुए 41,000 और मौतें हुई 624 मरीजों की। इन सबको मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं अब 3,09,46,074, ठीक हुए मरीजों की संख्या है 3,01,04,720 और मौतों का कुल आंकड़ा है 4,11,408। 13 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यटन स्थलों और बाजारों में हो रही भीड़ भाड़ को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर भीड़ को नियंत्रित करने को कहा है। कोरोना काल में भीड़ निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, लेकिन सारी भीड़ सिर्फ हिल स्टेशन और बाजारों में नहीं हो रही है। ये वीडियो बिहार के गोपालगंज का है, जो अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। वैक्सीन लेने के लिए शहर के अम्बेडकर भवन में लोगों का हुजूम पहुंचा। बिना खाना खाए और बिना पानी पिए लोग कई घंटे इसी तरह कतार में खड़े रहे। जब खुराक का नंबर नहीं आया तो कुछ युवकों ने गुस्से में आकर धक्का मुक्की शुरू कर दी और इस दौरान जमकर कुर्सियाँ भी फेंकी गई। ऐसे वीडियो हम पिछले कई दिनों से पूरे देश से आते हुए देख रहे हैं। अब लोग समझ गए हैं कि टीका जान बचाने के लिए ज़रूरी है। कई संस्थानों ने अपने यहाँ कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की शर्त भी रख दी है और इसीलिए टीके की मांग में भारी उछाल है, लेकिन टीके की सप्लाई बढ़ने की जगह घटती जा रही है। केंद्र सरकार का अपना लक्ष्य यह है कि दिसंबर तक सभी पात्र नागरिकों को टीका लगा दिया जाए।
बार बार विशेषज्ञों ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया है कि इसके लिए रोजाना कम से कम 60 लाख खुराकें लगाने की जरूरत है। लेकिन 21 जून से 27 जून वाले हफ्ते को छोड़ दें तो हम इस टारगेट को सिर्फ एक बार छू पाए, 3 जुलाई। बाकी दिन टीकाकरण 30 से 40 लाख खुराकों के बीच ही झूलता रहा। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी मानते हैं कि असल टारगेट 80 लाख रोजाना रखा जाना चाहिए। इसका मतलब टीकाकरण की रफ्तार जरूरत से आधी है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी राज्य से टीकाकरण केंद्रों के बंद हो जाने की खबर नहीं आती, क्योंकि टीका ही नहीं पहुंच रहा है। टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ को लेकर राज्यों का तर्क है कि टीके की उपलब्धता केंद्र का विषय है, जितना टीका आता है लगा दिया जाता है। टीके की कमी और टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ भाड़ को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपना पक्ष रखा ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि टीकों के स्टॉक और आवंटन की जानकारी राज्यों के पास पहले से होती है, ऐसे में अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार भी वही होंगे। एक ट्वीट में मांडविया ने कहा, मीडिया में भ्रम व चिंता पैदा करने वाले बयान देने वाले नेताओं को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि क्या उन्होंने शासन प्रक्रिया व इससे संबंधित जानकारियों से इतनी दूरी बना ली है कि वैक्सीन आपूर्ति के संदर्भ में पहले से ही दी जा रही जानकारियों का उन्हें कोई अता पता नहीं है। मंत्री जी का पूरा जोर पूर्व सूचना पर है, जबकि होना चाहिए अभी की सूचना पर। स्वास्थ्य मंत्री का ही ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि जून में 11 करोड़ 46 लाख खुराकें उपलब्ध कराई गई और जुलाई में इसे बढ़ाकर 13.5 करोड़ किया गया। 13.5 करोड़ खुराकों का मतलब होता है कि इस महीने में यानी कि जुलाई में औसतन 45 लाख खुराक हर दिन लगाई जा सकती हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये संख्या नाकाफी है। सरकार अपने बचाव में कह सकती है कि वो आने वाले महीनों में उपलब्धता बढ़ा देगी, लेकिन क्या हमारे पास आने वाले वक्त तक रुकने का विकल्प है? राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही अभी ये हाल है कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर इतने टीके नहीं पहुंच पाते कि टीका लगवाने आए सभी लोगों को एक एक खुराक मिल पाए। ये दिक्कत स्लॉट्स वालों के साथ भी है, वो स्लॉट नहीं बुक करवा पा रहे हैं। जो लोग वॉक इन के लिए जाते हैं, मतलब बिना स्लॉट बुक किए सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाते हैं, उनकी भी ये शिकायत होती है कि टीके इतने नहीं हैं कि हर किसी को मिल जाएं जो किसी एक दिन वहां पहुंचते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि 12 हफ्तों के अंतर वाले नियम ने टीकाकरण के विस्तार के लिए मोहलत दी है, लेकिन इसके चलते आने वाले वक्त में टीके की मांग अचानक बढ़ सकती है, क्योंकि ढेर सारे लोगों के लिए दूसरी खुराक की मियाद एक साथ आ जाएगी। सरकार को चाहिए कि टीकाकरण की पूर्व सूचना के साथ साथ पर्याप्त टीका भी उपलब्ध करवा दें। दूसरी सुर्खी का संबंध भी कोरोना महामारी से ही है। 13 जुलाई की देर शाम ये खबर आई कि उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी, लेकिन अब तक चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। योगी सरकार न सिर्फ ये चाहती है कि प्रतिबंधों के साथ यात्रा हो जाए, बल्कि वो कांवड़ियों को हरिद्वार भेजने पर भी आमादा है। सूत्रों का दावा है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से फ़ोन पर बात की और कहा कि सीमित संख्या में ही सही कांवड़ियों को हरिद्वार भेजने की अनुमति दी जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार द्वारा यात्रा जारी रखने के फैसले से खुश नहीं है। आज जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर केंद्र, उत्तराखंड और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तीसरी सुर्खी बनाई आज हुई कैबिनेट बैठक ने। मोदी सरकार का मंत्रिमंडल 14 महीनों बाद आमने सामने की बैठक में मिला। कोरोना काल में कैबिनेट वर्चुअल मीटिंग से काम चला रहा था। कैबिनेट सचिवालय ने एक आरटीआई याचिका के जवाब में बताया है कि 19 अगस्त 2020 से लेकर 31 मई 2021 तक कैबिनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 39 बार मिला है, लेकिन आज मंत्रियों को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया। चूंकि मानसून सत्र 5 दिनों बाद शुरू हो रहा है, इसीलिए ये बैठक अपेक्षित थी। बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए यानी कि महंगाई भत्ता बहाल कर दिया गया है। अब डीए 17% से बढ़कर 28% कर दिया गया है और ये इस साल की 1 जुलाई से लागू होगा। ये फायदा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों दोनों को मिलेगा और सरकार इस मद में 34,400 करोड़ का खर्च करेगी। कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ, इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी
उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है, यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव, ये जो हमने निर्णय किया है, इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। रही बात मानसून सत्र की तैयारी की, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टियां सदन में अपने नेताओं को भेजने वाली हैं। इसी दिन एनडीए के घटक दलों के नेता भी मिलेंगे और भाजपा संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। एक और अपडेट ये कि मंत्रिमंडल विस्तार और कैबिनेट कमेटियों में फेरबदल के बाद मोदी सरकार ने राज्यसभा में अपने नए नेता का ऐलान कर दिया है। अब तक सदन के नेता थावरचंद गहलोत थे, जो कि कर्नाटक के राज्यपाल होकर महामहिम हो गए हैं, सो अब उनकी जगह राज्यसभा में सदन के नेता होंगे पीयूष गोयल। वैसे खबर ये भी है कि कांग्रेस भी लोकसभा में अपना नेता बदलने पर विचार कर रही है। पार्टी में इस बात पर काफ़ी दिनों से मंथन चल रहा है कि क्या अधीर रंजन चौधरी की जगह राहुल गांधी को सदन में पार्टी का नेता बनाया जाए। अंतिम सुर्खी बनी है दिल्ली की एक अदालत की टिप्पणी से और इसका संबंध फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से है। अक्टूबर 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वो गोंडा के रहने वाले मोहम्मद नासिर की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करे। नासिर ने पिछले साल 19 मार्च को दिल्ली पुलिस को एक तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 24 फरवरी को दंगों के दौरान उन पर गोली चली और उनकी बाईं आंख में चोट आई। नासिर ने नरेश त्यागी, सुभाष त्यागी, उत्तम त्यागी और अन्य पर इस हमले का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो नासिर कोर्ट गए। दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में यह कहा था कि इस मामले का जिक्र एक अन्य FIR में हो चुका है और इसीलिए अलग से एक और FIR की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस को अदालत से जो आदेश मिला उसके खिलाफ एजेंसी ने अपील की थी, जो आज खारिज हुई है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में बड़ी लापरवाही से जांच की है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगाया गया, पुलिस उन्हें ही बचाने में लग गई। अदालत ने इस मामले में दिल्ली के भजनपुरा पुलिस थाने के SHO और उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत किशोर, देश के नामी चुनावी रणनीतिकार, पिछले विधानसभा चुनावों की जीत और हार में प्रशांत किशोर को एक फैक्टर गिना जाता है। गैर BJP पार्टियों के लिए प्रशांत किशोर वो आदमी है जिससे मोदी शाह वाली BJP को हराने का फॉर्मूला आता है। 2015 के बाद से कई पार्टियों ने प्रशांत किशोर की चुनाव जीतने में मदद ली है। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP की हार और ममता बनर्जी की जीत का काफ़ी क्रेडिट प्रशांत किशोर की रणनीति को भी जाता है। बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब वो पोल स्ट्रैटेजिस्ट वाले काम से संन्यास लेंगे, यानी कुछ और काम करेंगे। तो वो कुछ और क्या होगा, लोगों की इस जिज्ञासा के बीच प्रशांत किशोर एक बार फिर एक्टिव दिखने लगे हैं। वो लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद नए सिरे से चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चाएं कि प्रशांत किशोर अब किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए BJP के खिलाफ विपक्ष की मोर्चेबंदी में लग गए हैं। कयास हैं कि वो एक विपक्षी पार्टी में शामिल होने वाले हैं और फिर इन चर्चाओं का एक सिरा जुड़ता है राष्ट्रपति चुनाव से कि प्रशांत किशोर अब राष्ट्रपति चुनाव में BJP को हराने की व्यूह रचना अभी से तैयार करने लगे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अगले साल यानी 2022 में ख़त्म हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में अमूमन ये देखा जाता है कि केंद्र की सत्ता में आसीन पार्टी अपने उम्मीदवार को जिता ले जाती है। पिछले कई चुनावों में हमें ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन प्रशांत किशोर के पास राष्ट्रपति वाले चुनाव में भी विपक्ष के लिए एक फॉर्मूला है। चर्चाएं हैं कि अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर NCP अध्यक्ष शरद पवार को तैयार किया जा रहा है और प्रशांत किशोर अभी इसी काम में लगे हैं। अभी पक्के तौर पर ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है, लेकिन सूत्रों वाली खबरें इसी लाइन पर चल रही हैं। प्रशांत किशोर, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सूत्र दावा कर रहे हैं कि प्रशांत ओडिशा के CM नवीन पटनायक और तमिलनाडु CM M.K. स्टालिन से भी पिछले दिनों में मिले हैं और उनकी कई दौर की मुलाकातें हुई हैं शरद पवार के साथ। बंगाल चुनाव के बाद वो शरद पवार से 3 बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि वो शरद पवार को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए मना रहे हैं और शरद पवार के नाम पर सारी गैर NDA पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक PK का फॉर्मूला ये है कि अगर नवीन पटनायक की BJD विपक्ष के साथ मिलती है
तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में जा सकते हैं और विपक्ष की ये एकजुटता एनडीए का गणित बिगाड़ सकती है। अगर ये चर्चाएं सही हैं तो क्या शरद पवार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए राजी हो गए हैं? इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। शरद पवार लगभग 6 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी वो सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनकी उम्र 80 साल के लगभग हो चुकी है और सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट के तौर पर राष्ट्रपति पद उनके लिए एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। हालांकि इन सारे डेवलपमेंट्स को करीब से देख रहे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की अभी बात नहीं हुई है। अभी प्रशांत किशोर ने सिर्फ ये थ्योरी दी है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता जा सकता है, जिसमें शरद पवार की उम्मीदवारी वाली बात फिलहाल नहीं हुई है इस पॉइंट तक के। इस बारे में शरद पवार ने इंडिया टुडे से फ़ोन पर बात की है। उन्होंने बताया कि ये खबर बेबुनियाद है कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी राष्ट्रपति पद को लेकर कोई बात हुई। शरद पवार ने यह भी कहा कि उन्हें ये नहीं पता है कि प्रशांत किशोर ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या गणित तैयार किया है। उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर के साथ गैर राजनीतिक चर्चा हुई। राष्ट्रपति चुनाव वाले कयासों के अलावा प्रशांत किशोर की सक्रियता को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर का पिछले दिनों बयान आया था कि बीजेपी के खिलाफ थर्ड या फोर्थ फ्रंट काम नहीं कर पाएगा, यानी एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है और विपक्ष को मजबूत करने में प्रशांत किशोर लगे हुए नज़र आ रहे हैं और या इस तरह की खबरें चल रही हैं। इस मजबूत विपक्ष की अहम कड़ी शरद पवार हो सकते हैं। शरद पवार से महीने भर पहले कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मुलाकात भी की थी। उसके एक दिन बाद शरद पवार की प्रशांत किशोर से फिर मुलाकात हुई थी। टिप्पणीकारों ने लिखा कि शरद पवार को केंद्र में रखकर प्रशांत किशोर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस एकजुटता की पहली परीक्षा अगले साल का राष्ट्रपति चुनाव हो सकता है। एक कयास ये भी चल रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से मुलाकात को। मंगलवार को प्रशांत किशोर की कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बैठक हुई। ऐसी खबरें हैं कि बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। इस बैठक पर यह अनुमान लगाया जा रहा था और उसी आशय का समाचार हमने भी आपको दिया था पिछले बुलेटिन की सुर्खियों में कि ये जो बैठक हुई है वो पंजाब कांग्रेस के झगड़े पर चर्चा से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर सूत्रों के हवाले से एक और खबर आती है कि असल में मामला कुछ और था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूती देने के मकसद से प्रशांत किशोर को शामिल करने की बात हो रही है और संभवतया कल वाली बैठक में प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर या उनके किसी पॉसिबल रोल पर चर्चा हुई होगी, इस तरह का कयास लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मामला अभी कयासबाजी का है और कोई पुष्ट खबर किसी के पास है नहीं। इंडिया टुडे से बातचीत में भी प्रशांत किशोर ने यही कहा कि राहुल और प्रियंका के साथ शिष्टाचार के नाते मुलाकात हुई थी। वैसे ये हम भी जानते हैं कि राजनीति में बैठकें यूं ही नहीं होती हैं। देखना होगा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की जीत अपनी सीवी में जोड़ने के बाद प्रशांत किशोर अब क्या दांव खेलते हैं। दिल्लन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते।